स्वामी विवेकानंद जयंती पर कन्नौज में सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में डीएम सुभ्रांत कुमार शुक्ला व एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई। जिले की तीनों तहसीलों व सभी ब्लॉकों सहित सभी विभागों में शपथ ग्रहण व मानव श्रृंखला बनाई गई। कन्नौज पुलिस लाइन में पुलिस व प्रशासनिक अफसरों कर्मियों ने सड़क सुरक्षा का संदेश देने के लिए मानव श्रृंखला बनाकर सुरक्षित यातायात का संदेश दिया। इसके बाद सुरक्षित यातायात के लिए डीएम ने मौजूद लोगों को कार की सीट बेल्ट, बाइक में हेलमेट लगाकर और बिना नशा किए वाहन चलाने की शपथ दिलाई। हादसे में घायल हुए लोगों की मदद करने की शपथ भी डीएम ने सबको दिलाई। इस मौके पर कई स्कूलों के छात्र छात्राएं भी भारी संख्या में मौजूद रहे। दूसरे स्थान पर सुरक्षा पूर्वक पहुंचे, इसके लिए हमने कतिपय शपथ ली है। मुझे पूरी उम्मीद है कि एसपी साहब ने जो आपको मंत्र दिया है कि यहाँ से जब आप जाएंगे तो आपके दिमाग में, दिल में ये बैठा होना चाहिए कि सड़क पे हमें सुरक्षित करना है। हम अपने परिवार के बीच में, अपने मित्रों करके चलाने की स्थिति के बारे में, और सबसे महत्वपूर्ण यदि कहीं कोई दुर्घटना हो गई है तो सब काम छोड़ के जो भी घायल व्यक्ति हैं उनकी मदद के लिए अवश्य दौड़ेंगे और उनको हम चिकित्सक सहायता पहुंचाने के लिए पूरा भरसक प्रयास करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की पावन जयंती के इस अवसर पर पूरे जनपद में सड़क सुरक्षा का एक जो शपथ है आज हमारे जनपद में ठीक 11 बजे लिया गया है। और जितने भी हमारे सरकारी कॉलेज हैं, स्कूल हैं, कोई प्रतिष्ठान है, तो वहाँ पे आज सब लोग एकत्र होके और सड़क की सुरक्षा का शपथ ले रहे हैं। आपने देखा होगा पुलिस लाइन कन्नौज में यहाँ पे 3-4 हज़ार बच्चों ने और भी यहाँ पे जितने भी लोग थे सब लोग इकट्ठा होके सड़क सुरक्षा की शपथ ली है। तो इसके माध्यम से हम जनता में ये संदेश देना चाहते हैं कि सुरक्षित यातायात हमारे लिए अति आवश्यक है और किन बातों का हम ध्यान रखें, चाहे हेलमेट पहनना हो, सीट बेल्ट बांधना हो, लेन में चलना हो, और अगर कोई घायल हो गया है दुर्घटना में तो उसकी मदद के लिए हमें दौड़ना हो। तो इसके बहाने हम जो है सभी को प्रेरित कर रहे हैं और इस श्रृंखला जो पूरे प्रदेश में आज मानव श्रृंखला बनाई जा रही है एक रिकॉर्ड स्तर का, उसके लिए हम नारा स्तर से भी, जनपद स्तर से भी इसमें हम लोग योगदान कर रहे हैं। सर सड़क सुरक्षा है, बहुत सारे इस तरह से लोग अफवाह उड़ा देते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पुलिस अधीक्षक साहब ने कई बार जो है सार्वजनिक मंचों से भी इस चीज़ को कहा है कि कहीं कोई उसमें बाद में कोई परेशानी नहीं होती यदि आप किसी घायल दुर्घटना में घायल व्यक्ति की आप मदद करने के लिए आगे आते हैं। आपको आपके माध्यम से हम सबको ये भी बताना चाहेंगे गुड समरिटन ये भी व्यवस्था है, यानी जो इस तरह से लोगों की जान बचाने के लिए लोग दौड़ते हैं तो उनको प्रोत्साहन के रूप में सम्मानित भी किया जाता है कई अवसरों पर। तो इस तरह की जो भ्रांतियां हैं ये निर्मूल है और सभी को, कोई भी अगर सड़क दुर्घटना में घायल होता है तो उसको जल्द से जल्द हम पहुंच के जितना मदद हम अपने स्तर से कर सकते हैं अवश्य करें।